आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी माँ की सेवा करते करते। कभी तुम्हारी माँ कहती है मेरे पैर दबा दो, कभी कहती है हाथ दबा दो, कभी कुछ बना के ले आओ, कभी कुछ बना के ले आओ। मुझसे नहीं होता ये सब, नौकरानी नहीं हूँ मैं उनकी। अब ना तुम ही डिसाइड कर लो, तुम्हारी माँ को घर में रखना है या मुझे। ये ले भाई चाय। अब बता क्यों परेशान है, क्या बात हो गई? क्या बताऊं यार, मैं मेरी बीवी की वजह से परेशान हूं। क्यों, क्या कर दिया भाभी ने? क्या कर दिया मतलब यार, क्या बताऊं। मेरी बीवी रोजाना कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती, उन्हें घर से निकाल दो। अब तू ही बता यार, मैं उन दोनों में से किसी एक को चूज कैसे कर सकता हूँ? यार बात तो तेरी सही है, अब इस सिचुएशन में तू कर भी क्या सकता है? अगर तू डायरेक्ट भाभी को कुछ बोलेगा तो वो खामखा और बवाल कर बैठेगी। इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ भाई। एक काम कर, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों, क्या बोलता है? हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। सुनो तुम ना अपनी माँ को समझा लो। अरे धीरे बोलो यार, माँ सुन लेगी। सुनने दो ना। अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अगर माँ ने सुन लिया ना तो हमें दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत? अरे यार तुम समझने की कोशिश करो, माँ जो भी कहती है ना वो हमें करना पड़ेगा और हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। पता है क्यों? क्यों? ये जो घर देख रही हो ना तुम, ये सारी प्रॉपर्टी और जायदाद ये सब माँ के नाम पर है, और अगर हमने माँ की बात नहीं मानी ना तो माँ नाराज हो जाएगी और हमें घर से निकाल देगी। तुम ही सोचो, अच्छा लगेगा हम बैग उठा के यूं दर दर भटकते फिरेंगे तो? इसलिए माँ जो भी कहती है ना हमें उनकी बात माननी पड़ेगी ताकि हम इस घर में रह सकें। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक चढ़ा है माँ की सेवा करने का, उनकी बात मानने का? अरे मैं इसलिए उनकी बात मानता हूँ ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए और तुम्हें भी उनकी बात माननी पड़ेगी, समझी? माँ जी मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दे बेटा। ठीक है। बेटा सुन, यहाँ मेरे पास आके बैठ। हाँ माँ बोलो। एक बात बता, जबकि तू जानता है कि तेरे पापा जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके गए थे, फिर तूने कल बहू से झूठ क्यों बोला कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है? तू जब कल बहू से बात कर रहा था ना तो मैंने तेरी बातें सुन ली थी। माँ क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरे एक झूठ बोलने से कुछ अच्छा हो रहा है तो होने देते हैं ना, और वैसे भी आजकल की बहुओं को ऐसी ही लैंग्वेज समझ में आती है, और फिर आप ही ने तो सिखाया है कि रिश्तों को और घर को जोड़ के रखना चाहिए। खुश रह बेटा, जीता रह। माँ जी चाय। हाँ। जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता।